बम धमाके में 4 अफराद हलाक, मुजरमों को इबरानाक सजा दी जाएगी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सीमा ने फिल्मी दुनिया से अलहदगी का ऐलान कर दिया। डिश कल्चर ने हमारी अहलाकी इकदार का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत, कौमी शनाख्त का मसला, एहतसाब और कौमी इदारे, ये आखिरी मौका है। सऊदी अरब में हेरोइन स्मगलिंग के जुर्म में 3 पाकिस्तानियों के सर कलम कर दिए गए। एहतसाब महज ड्रामा है, असल एहतसाब हम करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दिया जाएगा। मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई, वतन अजीज अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। साहब एक मिनट। जी आपसे एक बात पूछूं? जी मैं 70 के पेटे में हूं। पाकिस्तान बना तो 20-21 साल की मेरी उम्र थी। उस वक्त से लेकर आज तक हर 10-15 दिन के बाद किसी ना किसी का ये बयान अखबार में जरूर छपता है कि वतन अजीज तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये कैसा वतन है जिस पर नाजुक दौर खत्म होने में नहीं आता? मैं क्या कह सकता हूँ जी, वो वैसे इस अखबार में प्रोफेसर जलाल साहब मजमून लिखते हैं, आप वो पढ़ा करें, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्रोफेसर जलाल सईद, पिछले 25 साल से उसका मजमून पढ़ रहा हूं मुल्की हालात पर, मगर मेरे सवाल का जवाब अभी तक वही है। क्या जमाना आ गया है? देखो सबकी नजरों के सामने दिन दहाड़े थैला लेके भाग गया। कोई ज्यादा कीमती चीज तो नहीं थी? कोई नकदी को रुपया देला? नहीं ऐसा कुछ नहीं था जी, बस किताबें थी। चलो शुक्र है बचत हो गई। भाई किताबें भी तो कीमती होती हैं। क्या किताबें थी? वो नवी दस की जमात के मुताले पाकिस्तान की कुछ कॉपियां थी, अलामा इकबाल के अफकार पर एक किताब थी, और एम ए इंग्लिश की कुछ किताबें थी, कुछ रिसाले थे बस। आप रद्दी बोलते हैं? नहीं मैं स्कूल टीचर हूं। रे बाबू फिर अल्लाह के नाम से एक रुपया ही दे दे, एक रुपया दे दे, अल्लाह तेरे बच्चों ना भला करे। जमीला बेटी उठो नाश्ता कर लो, कहीं देरी ना हो जाए, कॉलेज भी तो बहुत दूर है तुम्हारा। ये शाजिया तुम भी आके नाश्ता कर लो बेटी। हम भी आ जाएंगे अम्मी, हमारा क्या, वैसे भी 10 बजे पार्लर पहुंचना होता है। कर लेंगे नाश्ता, मजदूर लोग हैं हम, बाजी को दे, उन्होंने जाकर पढ़ाना होता है लड़कियों को। आगे मेरा ख्याल है मजीद भाई है, ये घंटी। सलाम अलैकुम मासी जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटे। मजीद बेटे तुम खिड़की से आने की बजाय दरवाजे से अंदर आ जाया करो। खिड़की खुली थी ना, वरना मैं आज घर में आ ही जाता। मैंने सोचा यहीं से बात कर लूं, बाहर से बाहर चला जाऊंगा। मुझे दरअसल शाजिया से काम है। मुझसे काम है मजीद भाई? हुकम सर हुकम। वो
वो दरअसल आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया मेरे साथ। अल्लाह रहम करे, क्या हुआ? खैरियत तो है? नहीं, हाँ हाँ खैरियत है, खैरियत है। वो मासी जी, मैं आज के दिन मंगल के दिन अखबार जरूर खरीदता हूँ मैं। वो प्रोफेसर जलाल सईद है ना, उनका मजमून आता है मुल्की हालात पर, जरूर पढ़ता हूँ मैं। तो मासी जी, मैं अखबार खरीदने के लिए मैं साइकिल एक तरफ खड़ी की है मैंने, मेरा वो किताबों वाला थैला जो था वो साथ लटक रहा था। मैं वो अभी अखबार देख ही रहा हूँ, एक नशेई आया, मेरा थैला उतारा, वो किताबों वाला और भाग गया। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है मजीद भाई, नशेई को पकड़ने चले? नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे तुम्हारी वो मुतालिया पाकिस्तान वाली किताब चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है ना, तुम्हें तो अब उसकी जरूरत नहीं होगी ना। हाँ मजीद भाई, मैं तो अब बन गई हेयरड्रेसर, और अब इसके लिए मुतालिया पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं, वो दे दो। हाँ, मैं लेकर आई। जमीला, वो जो MA इंग्लिश की किताबें थी ना, वो भी उसी थैले में थी जो मैंने लाइब्रेरी से लाकर दी थी। ये तो 2,500-3,000 का नुकसान हो गया फिर। नहीं नहीं, मैं दूंगा, आज मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, मैं दूंगा, फिक्र नहीं करना तुम। हाँ, वो अस्को ये ले मजीद भाई, मुताले पाकिस्तान की किताब। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। मासी जी, आपको कितनी मर्तबा कहा है कि खिड़की बंद रखा करें, जमाना खराब है। चल चल चलता हूं मैं, बंद करें खिड़की को। शुक्रिया शुक्रिया शाजी, वापस। इस खिड़की में से अगर कोई झांकता है तो वो यही है, मास्टर मजीद। कैसी बातें करते हो एजाज, मजीद घर का आदमी है, भांजा है मेरा, और फिर जमीला का मंगेतर भी है। जमीला बाजी का मंगेतर? एक बात मैं आपको बता दूं, ये शख्स सारी जिंदगी मास्टर का मास्टर ही रहेगा। मास्टर होना कोई जुर्म नहीं है, तुम दोनों ये सोचो कि तुमने क्या किया। अब्बा जी के बाद मैंने कितनी कोशिश की कि तुम दोनों कुछ तालीम हासिल कर लो, माशरे में कुछ इज्जत मिले तुम्हें, मगर मैट्रिक भी नहीं कर सके तुम दोनों। खैर, MA तो ये भी कभी नहीं कर सकेगा मास्टर मजीद, और वो भी इंग्लिश में, जो आप चाहती। मत लगा कभी ये लेक्चरार। वो लग भी गया तो कौन सी कयामत आ जाएगी, लेक्चरार क्यों, कहा थी क्या? अब बाजी को क्या मिलता है, 5,000-5,500 रुपए बस। इस घर के दिन तो जब ही फिरेंगे, जब मेरा अपना ब्यूटी पार्लर बनेगा, पौशे लगेंगे, बड़ी बड़ी बेगमात आएंगी, 5-6 मुलाजमिन होंगे, सब कुछ इम्पोर्टेड होगा मेकअप का। मैं चलती हूँ मम्मी। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। आज मजनून आया साहब? आज किस बात पर साहब? वो आइडेंटिटी क्राइसिस, मेरा मतलब है कौमी शनाख्त वगैरह का मसला। कौमी शनाख्त? जी साहब, समझ गया साहब, समझ गया।
पिछले साल भी आपने इसी बात पर दो तीन बार लिखा था। क्या दो तीन बार पिछले साल? क्या मतलब? सर कम अक्ल हूँ, जाहिल हूँ, पर पिछले 10 साल से आपका कोई मजमून नहीं छोड़ा। ये तो मैं जानता हूँ कि अखबार तुम बहुत बाकायदगी से पढ़ते हो। साहब पढ़ना क्या है, बस कोई बात इस मोटी अकल में आ जाती है तो पल्ले बांध लेता हूँ। वो मोटी मोटी यही कोई 8-9 तो हैं जी। सर 8-9? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ? अच्छी बात तो दोहरानी चाहिए सर, यही हुक्म है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने आप को दोहरा रहे हो प्रोफेसर जलाल सईद। क्या वाकई ऐसा है? It's incredible. It's bad. जलाल बोलो। प्रोफेसर जलाल सईद। जलाल खैरियत? हाँ अनीसा बिल्कुल खैरियत। या शायद खैरियत नहीं है, पता नहीं खैरियत है। नहीं नहीं मेरा ख्याल है खैरियत बिल्कुल नहीं है। पहले तुम ये फैसला कर लो खैरियत है या नहीं। क्या तुम बिल्कुल ही सुनायल हो गए हो जलाल? You're right, मैं वाकई बिल्कुल सुनायल हो गया। और अभी तक तो जनाब पिछले साल की लिखी बातें भूल जाता हूँ, एक वक्त आएगा जब कल की लिखी बातें भूल जाऊंगा। अच्छा मैं मेरे पास वक्त नहीं है, प्रिंसिपल्स की मीटिंग है आज एजुकेशनल कोड के सिलसिले में। स्टिल मसला क्या है तुम्हारा? मसला? हाँ मसला ये है कि मेरे पुराने मुलाजिम का ख्याल है कि मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ। यही कोई 8-10 बातें हैं जिन्हें मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक ही कहता होगा। क्या मतलब भाई, तुम भी तो मुझे पिछले 20-25 साल से पढ़ रही हो। What is your opinion? अपनी जाती राय मुझे बताओ। तो मैं ही पढ़ रही हूँ। लेकिन तुम्हारे आज का आर्टिकल मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, जब पढ़ूंगी तो फिर बात करूंगी। ओके खुदा हाफिज। खुदा। कहाँ भागे जा रहे हो? सारी दुनिया भाग रही है चाचा, मैं तो सिर्फ जॉगिंग करता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। हाँ सिकंदर भाईजन कैसे हैं? ठीक है ना? आई होप ही इज फाइन। जलाल चाचा पता नहीं कुछ आजकल डिप्रेस नजर आते हैं, उदास से। अब कुछ चर्चा से उनका वो छपता है वो क्या आर्टिकल वार्टिकल कॉलम, तो वो कुछ टेंस से नहीं हो जाते, परेशान से क्यों जीशान? मेरी तो भाई हफ्तों और बाज औकात महीनों मुलाकात नहीं होती उनसे, मैं क्या कह सकता हूँ। ध्यान में से एक बात कहूँ, तुम्हारे इस प्रोफेसर भाई साहब को मेरा तो ख्याल है कि अब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, इतनी उनकी उम्र हो गई है,
वो क्या लिखने लिखाने के चक्करों में पड़े रहते हैं, फजूल, क्या फायदा? जाहिलों जैसी बातें ना किया करो हमारा, प्लीज। सारा मुआशरा ही जाहिलों का, यहाँ तो हर तरफ जाहिल दनदनाते फिरते हैं। और फिर यहाँ मैंने ऐसा क्या कह दिया, ये तो है ही गैर मुहज्जब और वहशी सोसाइटी। बस अभी 5-6 माह और गुजार ले इस वहशी मुआशरे में, फिर हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। जीशान वैसे तुम हो बहुत चालाक भाई, अपने बीवी बच्चों को तो तुमने बहुत अरसा से कनाडा में भिजवा दिया है, और हमें देखो, हम अब तक यहीं कैद हैं, इसी गॉड। तो कहो ना रेहान से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस वाइंड अप करे, क्यों आफाक? हाँ कर रहा हूँ वाइंड अप, मगर इतना पैसा ट्रांसफर, यू नो असल मसला तो यही है। हर हाल स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा सब कुछ ठीक। 6.5 माह लगेंगे माइग्रेशन में। अभी ना दरअसल आजकल इंटरकॉन्टिनेंटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन थ्रू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड माइग्रेशन पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक तो आपके इस कंप्यूटर जीनियस साहबजादे का यकीनन कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान में, अगरचे तुम तंज कर रहे हो, लेकिन ये बात है 100% दुरुस्त। यहाँ कंप्यूटर तो आ गया है, लेकिन ये लोग इसके मुस्तहक नहीं। साइबर स्पेस की स्वीप को तुम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये वही है, वो क्या कहते हैं, बंदरों को कनात की टोपियां। कनात नहीं, बनात, बनात। मामा ये बनात क्या होता है? बनात भाई मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल बंदरों की खाल को कहते होंगे। ओहो भाई मैं भी तुम्हारे लजीज में उलझ कर रह गया हूँ। चले मैं बाबू। अच्छा जी, हमारा वो नादिया बेटी से बात की आपने? वो करते हैं बात, मैं कर लूंगी बात। मामा बात बताएं प्लीज। क्या बात मामा? बात बताएं, क्या बात कह रहे थे निशान चाचा? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स, डोंट बी सो इंपेशेंट। आओ चलो किसी तक लॉन में चलते हैं, सुबह बात करते हैं। क्या बात है टच मशीन क्रीम की? जी हाँ बोल रहा हूँ। आर्टिकल देखा आपने? जी देख लिया। अगला कब भिजवा रहे हैं आप? देखिए अभी फिलहाल मैं कुछ वक्फा देना चाहता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप जलाल साहब? भाई मैं तो कहता हूँ कि एक वीक में एक के बजाय 2 आर्टिकल दें हमें आप। अरे साहब आपको क्या पता कि पब्लिक कितना इंतजार करती है शिद्दत से आपके मजामीन का। असल में मेरा मजमून पढ़ के उनके दिल का गुबार निकल जाता है। हफ्ते भर में दिल में गुबार जब फिर भरता है तो मेरा मजमून आ जाता है। इट्स अ सिंपल मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा ही समझ लेते हैं। तो फिर कब? आई डोंट नो, फिलहाल तो मैं आराम करना चाहता हूँ। I just want to relax, just relax. Allah. चलें, ठीक।
ये बात करनी थी आपने, मैं किसी डट पूंजे सेक्शन ऑफिसर से शादी कर लूं और यहाँ फंस जाऊं इस मुल्क में, ये बात करनी थी आपने? कूल डाउन नातिया, कूल डाउन। देखो हर कोई पहले सेक्शन ऑफिसर ही लगता है, अब डायरेक्ट कोई कमिश्नर या सेक्रेटरी तो नहीं जाके लगता ना। अब सीशान को देख लो, वो भी पहले सेक्शन ऑफिसर ही लगा था, और फिर देखो क्या क्या नहीं बना, जहां गया खजाने खाली कर दिए और भर लिए। लेकिन तुम्हारे इस एटीट्यूड ने मुझे परेशान करके रख दिया। अगर अगर आप ही समझती हैं मामा कि आप, पापा, आफाक और सिकंदर तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे उधर कनाडा और स्टेट्स में जाके सेटल हो जाएंगे और मैं यहाँ ब्याह रचा के सड़ती रहूंगी, तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। नो नो, सुन लें आप, टेक इट इजी नादिया, टेक इट इजी माई चाइल्ड। देखो इट्स जस्ट अ प्रपोजल। ऐसी प्रपोजल अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा भाई, अब छोड़ो भी इस टॉपिक को ना, नहीं होगा फिर। ये तुम्हारे बाल कितने रफ हो रहे हैं, जाओ अपनी हेयर ड्रेसर के पास, को इनको स्टाइल वगैरह दो, बिल्कुल झाड़ झंकार लग रहा है। जाऊंगी किसी दिन। वैसे आप बॉब की बजाय यू शेप करवा लें तो आपको ज्यादा अच्छा लगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। जी बेहतर। हेलो गुड गर्ल्स, गुड गर्ल्स। भाई आज मैं देख रही हूँ काम काफी अच्छा हो रहा है। हेलो मिसेस गोंदल, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो मिसेस चौधरी। ये लड़की तुमने नहीं रखी है? क्या रखी है? मुझे तो यूं लगता है जैसे कटिंग करते करते सो जाती है, चीज क्या है ये? सॉरी, वेरी सॉरी जी, मैं दरअसल शाजी, वेरी बैड, वेरी बैड। देखो तुम अभी नई हो, क्लाइंट की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ओके? आई एम सॉरी मिसेस चौधरी, ये है नहीं लेकिन काम में बहुत अच्छी है। टेक केयर, ओके, कैरियर, ओके गर्ल्स, शाबाश। That's very good. जो बातें मैंने तुम्हारे साथ जुबानी डिस्कस की तुमने बहुत उम्दा एक्सप्रेशन में समेट दी। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर होने के बावजूद तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैडम। अब मेरा ख्याल है कि मैं इसे इसी तरह टाइप करवा के कल ले जाऊं मीटिंग में। जैसा आप मुनासिब। तो तुम पढ़ती हो मजामीन इनके, प्रोफेसर जलाल साहब? जी कुछ बहुत बाकायदगी से तो नहीं, लेकिन अक्सर पढ़ती हूँ, काफी पढ़ लेती हूँ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा मुल्की हालात के बारे में, इनके तज़ियों पर? What's your opinion? आखिर ये प्रोफेसर साहब हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और तुम पॉलिटिकल साइंस में हो, तो दोनों सोशल साइंटिस्ट हुए। What do you think of his analysis? अच्छे हैं, काफी शार्प और क्लियर होता है इनका तज्जिया,
लेकिन पता नहीं अब कुछ अरसे से मुझे कुछ यूं लगने लगा है जैसे ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, कोई 7-8 एनालिसिस के पैराडाइम्स हैं वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं बार बार। आई एम सॉरी मैडम, मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल आज सुबह जलाल के मुलाजिम ने भी उसे यही बात कही है कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, कोई 7-8 बातें हैं जो बार बार लिखता रहता है। अब मैं उसे बताऊंगी कि हमारी एक बात सही लेक्चरर का भी ये ख्याल है। क्या समझता है अपने आप को? आप मैडम जानती हैं इन्हें प्रोफेसर जलाल सईद साहब को? हाँ जानती हूं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जमीला थैंक यू सो मच, कल बात करेंगे। मैं तो समझता हूँ सर कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शनाख्त, कौमी शनाख्त, पाकिस्तानियत, हुब्बुलवत नहीं, ये सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, रेलेवेंट भी नहीं रहे। फासले तो खत्म हो चुके हैं। आप किस कौमी शनाख्त की बात करते हैं? दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। देखो ये जो विलेज होता है ना, चाहे ग्लोबल ही क्यों ना हो, इसमें कुछ चौधरी और कुछ मदारे होते हैं। अब ये डिसाइड तुमने करना है कि तुम कौन। वेल सर चाचा, वेरी वेल सर। ये आपने अजीब फ्यूडल टर्मिनोलॉजी में बात शुरू कर दी। ये जो तुम्हारा ग्लोबल विलेज है ना, ये भी एक तरह से इंटरनेशनल फ्यूडलिज्म ही है। चाचा आपका मसला ये है कि आप ग्रास रूट लेवल से नहीं जाते। अब मुझे देखिए, मुझे गरीब में दिलचस्पी है। आई एम फैसिनेटेड बाय पॉवर्टी, स्टार्क नेकेड पॉवर्टी। मेरा सर आपने गुर्बत देखी नहीं। मैंने गुर्बत नहीं देखी। कभी अपने अब्बा और चचा से पूछना, तकसीम के बाद हम जब यहां आए थे ना, उसके बाद बहुत कुछ देखा। ओह हाँ हाँ, उस जमाने में। हाँ तो इसलिए आपने शादी नहीं की थी? नहीं नहीं, खैर उसकी तो वजह कुछ और थी। और तुम्हें एक बात बताऊं, गुर्बत कभी भी शादी के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। एग्जैक्टली, मेरी भी ऑब्जर्वेशन है। तो अब मसला यह है चचा कि मार्क्सिज्म के खत्म होने के बाद गरीबों का कोई वाली वारिस नहीं रहा। मार्क्सिज्म खत्म नहीं हुआ। ओ, अच्छा तो नहीं गालिबन आप न्यू मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं। फैसला कर लिया चचा, मैं हार्वर्ड जाकर न्यू लेफ्ट का मुताला करूंगा। गुड, तो जब तक तुम हार्वर्ड नहीं जाते और न्यू लेफ्ट का मुताला नहीं करते, तब तक तो मेरे ख्याल तुम फारिग हो। हाँ किसे हद तक, क्यों? तो यार मैं थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, उकता गया हूँ। तुम ऐसे करो, मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर घुमा फिरा दिया करो। तुम्हारे माँ बाप तो नाराज नहीं होंगे। फॉरगेट देम। आपको जाना कहाँ है? मेरी पसंदीदा जगहों पे, लाइब्रेरियों में, म्यूजियम में, होटलों में, ढाबों में। दरअसल मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। होटल चचा, मैं आपको एक गंदे होटल में जा सकता हूँ, इंतहाई गरीब। आपको पता है अभी भी इस शहर में ऐसे लोग हैं जो 10 रुपए में सारा सारा दिन गुजारा करते हैं, जमीन पे प्लेट रख के खाते हैं, जहां इर्गिर्द लीर उड़ रही होती है। वाकई चचा, ही हैज अ वे।
विथ लोअर लाइफ फॉर्म्स। लोअर लाइफ फॉर्म्स। वो उस दिन वो जो नशाई वो थैला, वो जो एमए इंग्लिश की किताबें थी, ये तनख्वाह पूरे वो लाइब्रेरी में दुगने देने पड़ते हैं ना शायद। हाँ वो पैसे तो देने होंगे, मेरे लिए मुश्किल है, बिल भी बहुत आ गए हैं ना, और मकान का किराया भी बढ़ा दिया है उन्होंने। बहरहाल थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मजी जी। तुम इस कदर सहमे हुए, इस कदर पता नहीं तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते। वो मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। अच्छा, वो छोटे से इंसान तो फिर ओ, मुझे डर है कि ये जो तुम्हारी मेरी मंगनी हुई है, बुजुर्गों ने कहीं जुल्म ना कर दिया हो तुम पर। अच्छा, कर दिया है जुल्म, फिर वो एमए इंग्लिश का दाखिला जमा करवा दिया मैंने। अच्छा किया, शाबाश। अरे जी बेटा, तुम अस्सलाम वालेकुम मासी जी। वालेकुम सलाम। वो जीते रहो। थैला उस दिन वो एम इंग्लिश की किताबें, वो तनख्वाह मुझे। अच्छा, चलता हूँ जी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ध्यान से बेटे देख के। जी जी। ओ यार, ओ कुछ करो जी, कुछ करो, कुछ ओ दिमाग से सोचो यार, कुछ दिमाग लड़ाओ, कुछ दादागिरी की सोचो, ओ कुछ पैसे ढेले की बात करो। ओ तुम तो पढ़े लिखे हो यार, क्या सोचे यार, पैसे का और हमारा तो लगता है कुछ लंबा ही फड्डा है। वो पैसा तो जिगर है ही फड्डेबाजी में। तुम्हारा मतलब है कि उल्टे तंदों में। ओए तो कौन देखता उल्टे सीधे को यार, है कोई माइकल लाल जो दे हलाल की खाता हो। चोर है सब, सब चोर, ऊपर से नीचे तक। यार कुछ सूझे भी तो। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। हाँ, रोटी का टाइम हो रहा है, घर जा रहा है। जा जा रोटी खा, और धंधे का जरूर सोच, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे हम सब एक दिन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। अस्सलाम वालेकुम इजाज। वालेकुम सलाम। ये मास्टर यहां कब से आया हुआ था? तुम इस लहजे में बात नहीं कर सकते उसके बारे में, समझे तो? देखिए माजी, अगर आप इस वजह से उस मास्टर से शादी करना पड़ रही है कि हम लोग गरीब हैं, कंगाल हैं, तो भूल जाए। बहुत पैसा आ सकता है इस घर में, वो आपके काबिल नहीं है। 2% का मास्टर, भूल जाए। बहुत पैसा आ सकता है इस घर में। बस बंद करो। बहुत पैसा आ सकता है, तुम ही तो लाओगे पैसा इस घर में, तुम या वो शाजिया। बस करो खुदा के लिए, मत झगड़ो आपस में। मैंने तो ये सोच के उसके साथ मंगनी की थी कि मेरी गरीब बहन का बेटा है, अगर तुम लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं है तो ना करो यहाँ शादी। मैं शिक तोड़ दो ये मंगनी, तोड़ दो ये मंगनी। We'll be right back.
इरफान को किल भी जलील कमीनी प्लीज मिस नादिया क्या हुआ आपको क्या किया इसने क्यों मारी है आप इसे बका मत इसे तो मैं ले जा रही हूँ मैं तुम्हें भी पुलिस स्टेशन बुलाऊंगी तुमने यहाँ किलर्स पाली हुई है ये तो मामूली सी खराश है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ शट अप अभी आ दिया पुलिस तुम्हें भी नहीं चलो प्लीज मैडम आप सुनिए मैडम चलो प्लीज मैडम मेरे खुदाया मिस नादिया खुदाया ये क्या हो गया ये तो बहुत बड़े लोग हैं भाई इसका कोई नंबर है कोई पता पता कुछ जल्दी लेके आओ मैडम ये देखें कॉलेज का है और स्कूल का है साथ नाम भी लिखे हैं देखिए प्लीज ये है ये जी Pakistan. But this is all history, Chacha. Dead and gone. Mazi. Baat to aaj ki honi chahiye na, Chacha. Aur present mein. Hello. Ji. Kya? Kab? अच्छा क्या हुआ क्या हुआ क्या चाचा किसी ने नादिया पर कातिलाना हमला कर दिया Somebody has stabbed her. Oh my God. ये क्या कहानी सुना रही हो तुम मुझे ये पता ये एड्रेस जलाल प्रोफेसर जलाल सईद उनके भाइयों का ये यही रहते हैं चलो मेरे साथ मुझे मेरी बेटी कहाँ है किस हाल में है क्या हुआ उसे मुझे कुछ बताओ बेटा उसका कुछ करो मासी आप तसल्ली रखें आप बैठो बैठे बैठे आप हौसला करें मैं जा रहा हूँ वो एड्रेस जिशान सईद साहब रेहान सईद साहब यही बताया था शाजिया ने टेलीफोन पे बड़े लोग बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया हूँ हेडमास्टर साहब से तीन पीरियड की दो पीरियड मुझे जाके पढ़ाने हैं दसवीं जमात को अभी इजाज़ कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं बेटे मुझे उसका कुछ पता नहीं ठीक है कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ कुछ नहीं होगा शाजिया को आप बिल्कुल तसल्ली रखें बेफिक्र हैं आप तो दो पीरियड अभी मुझे पढ़ाने भी है बड़ी घंटी टकटक डंग बजा रहा है क्या बात है जी रेहान रेहान सईद साहब और जिशान सईद साहब का घर यही है हाँ यही है क्यों मुझे उनसे मिलना है जरा हमारी बच्ची का मामला है उसका शाजिया का मामला है और चल चल निकल यहाँ से नहीं नहीं मुझे मिलना है और यहाँ कोई मामला शामला नहीं है चल भाग भाई मुझे जरूरी मिलना है जरा जाने दें मुझे तुम हो कौन हो मजीद हूँ मास्टर मजीद बहुत जरूरी मिलना है मुझे मुझे जाने चल मैं मिलाता हूँ तुझे चल मुझे जाने दे चल चल चल
तीन पीरियड की छुट्टी लेके आया था, दो पीरियड पढ़ाने मुझे भी जाके देर हो गई है। बच्चों, कल मैंने तुम्हें काम दिया था कि आज नेहरू रिपोर्ट याद करके आनी, तो आज मैं सुनूंगा नेहरू रिपोर्ट, बल्कि अभी। या सर, नेहरू रिपोर्ट सुनाओ। नेहरू रिपोर्ट सर, समय नेहरू रिपोर्ट सम यही आपकी नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट याद नहीं की है तुमने? क्यों नहीं याद की तुमने नेहरू रिपोर्ट? क्यों नहीं याद की तुमने नेहरू रिपोर्ट? क्यों नहीं याद की तुमने? क्यों नहीं याद की तुमने?